छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में जोगी कांग्रेस की अगुवाई में एसडीआरएफ स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने काम से निकाला जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। उस समय देश में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बरकरार बनी हुई है, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। उस समय स्वास्थ्य कर्मचारी एसडीआरएफ की टीम ने कमर कसकर लोगों की सेवा में लगे हुए थे, पर आज उन लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका विरोध जोगी कांग्रेस के लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर रेगुलर कर्मचारी करने की बात कही है। एसडीआरएफ स्वास्थ्य कर्मचारी भारी संख्या में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग पीपीई किट पहनकर अपना विरोध दर्ज करवाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। पता है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपने प्रकोप में ले लिया था। प्रदेश में लॉकडाउन था और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग घबराए हुए थे। लेकिन उस समय यही एसडीआरएफ के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर परिवार से दूर रहकर लोगों की जान बचाई, जिसको लेकर हमने आज विरोध किया है। इनकी नियुक्ति हुई थी NHM के माध्यम से, रेगुलर सुविधा के तहत इनकी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति करना दूर, इनको काम से निकाला जा रहा है, जिसका हमें विरोध करने यहाँ पे आए हैं। आप सभी को पता है कि कोरोना की लहर, तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जिसके कारण राजनांदगांव में 500 बिस्तर का हॉस्पिटल ही बनाया गया है। लेकिन हमको हॉस्पिटल के साथ साथ नर्स और डॉक्टरों को भी ज़रूरत है। तो मैं शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति की जाए, नहीं तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। कोविड-19 के समय कलेक्टर दर पे जिन लोग की नियुक्ति की गई थी 89 दिनों के लिए, उनके नियमितीकरण को लेकर के इन्होंने आज कलेक्टर का घेराव किया गया है। इनके 5 से 7 प्रतिनिधि गए हुए हैं अंदर ज्ञापन सौंपने के लिए, बाकी सभी को बाहर सुरक्षार्थ रोका गया है।